हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यस क्लासेस में। आज की क्लास में हम लाए हैं डिफेंस से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों को। चलिए आज की क्लास को बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, दिसंबर 2022 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को पैट्रियॉट मिसाइल रक्षा प्रणाली भेजने की योजना को अंतिम रूप दे रहा है। पैट्रियॉट मिसाइल किसको दे रहा है अमेरिका? यूक्रेन, लीबिया, मिस्र या सूडान? तो आपका इसका सही आंसर होगा कि पैट्रियॉट मिसाइल जो अमेरिका वो यूक्रेन को दे रहा है। दिसंबर 2022 में भारतीय सेना के एरावत विभाग ने किस राज्य में संचार बोध अभ्यास का आयोजन किया? गुजरात, पंजाब, उड़ीसा या केरल? तो इसके लिए आपका सही आंसर होगा पंजाब में जो है भारतीय सेना के जो एरावत विभाग है उसने संचार बोध अभ्यास का आयोजन किया है। यह आयोजन जो है पंजाब के व्यापक जो बाधा ग्रस्त इलाके हैं जहाँ पे संचार नहीं है वहाँ पे ये किया गया है। अभ्यास में सामरिक संचार क्षमताओं को मान्य किया गया तथा प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने के लिए किसी भी कीमत पर जीतने को दृढ़ संकल्प होने की भी पुष्टि की गई। सेकंड कोर के तहत इंडिया फर्स्ट आर्म विभाग का मुख्यालय जो है वो पटियाला में ही है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंह हैं, राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित जी हैं, लोकसभा की सीटें यहाँ पे 13 हैं, राज्यसभा की 7 सीटें हैं, कुल जिले 12, राजकीय पशु जो है वो काला हिरण है, राजकीय पक्षी जो है वो नॉर्दर्न गॉसहॉक है तथा यहाँ पे रणजीत सागर बांध जो है वो रावी नदी पर है तथा यहाँ की जो पंजीकृत GI टैग जिनको मिला वो फुलकारी को मिला है तथा बासमती चावल को मिला हुआ है। नेक्स्ट है, 16 जनवरी से 26 जनवरी 2023 तक भारत किस देश के साथ हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 23 का आयोजन करेगा? वीर गार्जियन भारत का सैन्य अभ्यास है, ये किसके साथ होता है तो आपको ध्यान रखना चाहिए, कभी वीर गार्जियन पूछ ले तो आपका जापान के साथ होगा। अन्य देशों के साथ कुछ सैन्य अभ्यास हम देख लेते हैं। अमेरिका के साथ जो है वज्र प्रहार तथा युद्धाभ्यास नाम से भी होता है। बांग्लादेश के साथ संप्रीति, फ्रांस के साथ शक्ति, गरुड़, वरुण इस तरह से हैं तथा अगर गरुड़ में शक्ति लगा दें तो ये इंडोनेशिया के साथ होता है। थाईलैंड के साथ मैत्री अभ्यास, मंगोलिया के साथ घुमंतू हाथी, जापान धर्मरक्षक तथा गार्जियन, चीन हैंड इन हैंड, ओमान अल नजाह, नजीम अल बर तथा ईस्टर्न ब्रिज, तीन तरह के अभ्यास हैं। कजाकिस्तान के साथ काजिन तथा नेपाल के साथ सूर्य किरण, काजिन KAZIN करके है वो याद रखिएगा, कजाकिस्तान के साथ काजिन। अगला है हमारा, दिसंबर 2022 में रक्षा अधिग्रहण परिषद जिसे हम DAC कहते हैं ने सशस्त्र बलों और तटरक्षक, भारतीय तटरक्षक जो रक्षक हैं उनके लिए 84,328 करोड़ रुपए की कितने पूंजीगत खरीद को स्वीकृति दी है? तो ये स्वीकृति है 24 स्वीकृतियों को जो है दिया गया है। DAC ने सशस्त्र बलों और भारतीय तटरक्षक के लिए 84,328 करोड़ रुपए की 24 पूंजीगत खरीदों को जो है मंजूरी दी है। इसका जो बैठक था वो राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मंजूरी दी गई है। यह भारतीय सेना को फ्यूरास्टिक इन्फेक्ट्री कॉम्बैक्ट व्हीकल, लाइट टैंक, लाइट मतलब हल्के टैंक तथा माउंटेड गन सिस्टम से लैस करेगा तथा यह जो है हमारे सैनिकों को बैलिस्टिक हेलमेट भी प्रोवाइड कराएगा। अगला है, भारत ने उड़ीसा तट के अब्दुल कलाम द्वीप से Agni-5 का सफल परीक्षण किया है। इस मिसाइल की रेंज कितनी है? तो 5000 किलोमीटर से अधिक है इसकी रेंज तथा अनऑफिशियली कहा जाता है कि इसकी रेंज जो है वो 8000 से भी ज़्यादा है। यह मिसाइल जो है अग्नि जो है वो सरफेस टू सरफेस की मिसाइल है तथा परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल भी है। ये सरफेस टू सरफेस अटैक करती है। 3 चरण में इसके ईंधन है और इसको विकास कौन किया है? DRDO ने इसका विकास किया है। अन्य मिसाइल परीक्षण जो है अग्नि प्राइम न्यू जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल का जो है 21 अक्टूबर को किया गया था। INS अरिहंत ने पनडुब्बी से प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया था 14 अक्टूबर को। DRDO ने 27 सितंबर 2022 को
ओडिशा के जो चांदीपुर में वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल का भी परीक्षण किया था, एयर डिफेंस सिस्टम का भी परीक्षण किया गया था। अगला है 16 दिसंबर 2022 से नेपाल आर्मी बैटल स्कूल जो कि साल झंडी में है, तथा भारत नेपाल संयुक्त परीक्षण अभ्यास सूर्य किरण। आप सूर्य किरण याद रखिएगा, सूर्य किरण किस देश के साथ सैन्य अभ्यास है, तो ये जापान सॉरी नेपाल के साथ है, तथा यह इसका कौन सा संस्करण था जो इस बार हुआ है, 13वां 15वां 16वां। तो आप ध्यान रखिएगा 16वां संस्करण इस बार 16 दिसंबर को हुआ है। अगला है भारतीय नौसेना के एएसडब्ल्यूएसडब्ल्यूसी प्रोजेक्ट के पहले जहाज जो अरनाला है 20 दिसंबर को चेन्नई के कठपुतली में शुभारंभ इसका किया गया, इसको जलावतरण किया गया। इनमें से इसे किसने बनाया है, तो आपका इसका सही आंसर होगा गॉर्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने जो है उन्होंने अरनाला को बनाया है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नौसेना नौकायन पोत केप टू रियो रेस 2023 के 50वें संस्करण में भाग लेगा, कौन सा पोत जो है भारतीय नौसेना का केप टू रियो रेस 2023 में भाग लेने जा रहा है, तो INSV तारड़ी जो है वो इस संस्करण में भाग लेगा। या 2 जनवरी 2023 को केप टाउन से हरी झंडी इस रेस को दिखाई जाएगी, तथा इसका समापन जो है रियो डी जेनेरो ब्राजील में होगा। केप टाउन रियो डी जेनेरो जो है वो सबसे प्रतिष्ठित ट्रांस अटलांटिक महासागर रेस में से एक है। INS तारड़ी जो है वो किस लिए फेमस है, तो ये जो है 2017 में नाविका सागर परिक्रमा नामक एक पूर्ण महिला अधिकारी दल के लिए जाना जाता है जो दुनिया भर की परिक्रमा की थी, सिर्फ महिला दल ने इस पे शामिल थी। अगला है भारत की सेनाएं किस देश के साथ मेघालय के उमरोई में संयुक्त रूप से काजिंद नामक परीक्षण अभ्यास का आयोजन कर रही हैं। अभी हमने बताया कजाकिस्तान है, काजिंद से आप कजाकिस्तान रखिएगा। अगला है हमारा दिसंबर 2022 में किस भारतीय नौसेना के जहाज़ को दिसंबर 2022 में मुंबई में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है, बताइएगा कौन सा नया जहाज जो है वो भारतीय नौसेना में शामिल हुआ है। INS विशाखापत्तनम, INS सूरत, INS मुरगुमाओ या INS रणवीर, तो ध्यान रखिएगा INS मुरगुमाओ शामिल हुआ है। यह जो है नौसेना के प्रोजेक्ट 15B के तहत दूसरा युद्धपोत है जो शामिल किया गया है, तथा पहला युद्धपोत जो है वो नवंबर में ही कमीशन कर दिया गया था। आज की क्लास में बस इतना ही, आपसे आपको रोज़ के करंट अफेयर्स क्लासेस मिलेंगी सुबह के 8 बजे। आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, तथा अन्य क्लासेस भी आपको समय समय पर प्रोवाइड की जाती रहेंगी। धन्यवाद आप सभी का।